तला झुका कर सबों को सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ सबों का नाम करते हैं। तला झुका कर सबों को सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ सबों का नाम करते हैं। कबूल हो तो जरा सा मुस्कुरा देना, ये दुआ सिर्फ खिलाड़ी भाइयों का नाम करते हैं। हर फूल मुबारक हो आप सबों को, हर बाहर मुबारक हो आप सबों को। हर फूल मुबारक हो आप सबों को, हर बाहर मुबारक हो आप सबों को। कल हम रहे ना रहे, इसीलिए हर दिन मुबारक हो आप सबों को। शाइनिंग स्टार केपीएस की ओर से आयोजन दो दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट आज पहला दिन है, और इससे पहला दिन में दूर दराज से आए तमाम दर्शक बंधुओं को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहूंगा। और उनके साथ में शाइनिंग स्टार केपीएस की ओर से तमाम कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और उनके साथ में इस मैच को एक के बाद एक मैच को संचालन करने के लिए रेफरी मंडल को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और उनके साथ में हमारे साथ बस इस शाइनिंग स्टार केपीएस में नहीं बल्कि पूरे सिंहभूम में कोल्हान में इस एक एक मैच को अपने कैमरे में बैटरी डाउन हो रहा है क्या? इसको लीजिए, इसको लीजिए। पूरे कोल्हान में हर ग्राउंड का, हर टूर्नामेंट का एक एक मैच को अपने कैमरे में कैद करके तमाम दर्शकों को, जो कि खेल प्रेमी में जो रोचक रखते हैं, उन सबों को दिखाने के लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिस्टर हरीश स्पोर्ट्स, जो हरीश जी भी तैनात है, उनका तहे दिल से शाइनिंग स्टार केपीएस की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई देना चाहूंगा। और पहला दिन में जो कि शाइनिंग स्टार केपीएस की ओर से अध्यक्ष श्री रेंगो बलमुसो जी, उपाध्यक्ष रामदेव बलमुसो जी, सचिव कार्तिक खंडाज जी, कोषाध्यक्ष रमेश बलमुसो जिसे हम लोग टोलो का नाम से जानते हैं, और केपीएस की ओर से एक स्टार खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं सलाहकार श्री दीपक पूर्ति जी, और उनके साथ में है जितेंद्र खंडाज और संसा संरक्षक के रूप में श्री दुर्गा शरण तमसो जी। इन सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन इसी बीच सीधे मैदान की ओर चलूंगा, जहां पर महा मुकाबला जंग जारी है, महासंग्राम जारी है। ग्रुप बी, ग्रुप ए की ओर से ये सेकेंड राउंड का सेकेंड में चलता हुआ, जो कि टपा टप वर्सेस 16-17 रिंग खुंटा के बेस, 16-17 रन खुंटा के बीच। दर्शकों को जानकारी के लिए समय बताना चाहूंगा, उत्तरी छोर में जो टीम प्रवेश की है वर्तमान प्रैक्टिस में नहीं है, 16-17 रेंज खुंटा के तमाम खिलाड़ी जो कि ब्लू कलर की पोशाक पर हैं। और इसी के साथ तो ये बेहतरीन सा गोल, और ये दूसरा स्कोर देखने को मिली जो कि एक टपा टप की ओर से
और पहला हाफ मैच मैदान के बीचों बीच चलता हुआ और इसी के साथ पुनः एक बार मैच चलता हुआ, लेकिन रेफरी महोदय की सीटी नहीं लगी थी। और इसके साथ 11 नंबर के पोशाक पर शाफी खिलाड़ी को दिया हारते हुए, और ये अच्छा पास आई जरूर 6 नंबर के लिए, और 6 नंबर अपने कब्जे में लेने का प्रयास, लेकिन उससे पहले बॉल अपने कब्जे में लेने में सफल रहे 16-17 रेंज कोंटा के खिलाड़ी, लेकिन इस बार 6 नंबर अपने कब्जे में लिया, माइनस पास आई है, और ये लंबा चाल और बिल्कुल हवाई मार्ग में बॉल को ले। और ये लंबा ठीक आई थी, लेकिन बिल्कुल हमारे कमेंट्री बुक से बॉल चली गई टच लाइन से बाहर। और इस बार पुनः एक बार थ्रोइंग के बाद 10 नंबर के कब्जे में बॉल, एक खिलाड़ी को सकमा देने के बाद बड़ी चतुराई के साथ यहाँ पर 1-1 समन पर पास खेलता हुआ, बिल्कुल 5 नंबर के कब्जे में, लेकिन इसमें गलत पास। जी हाँ, इस मैच के तुरंत बाद अगला मैच के लिए तैयार रहेंगे स्पीड बूस्टर वर्सेस अजनबी एफसी। जी हाँ, बिल्कुल सजा समणा के नेताल सेकंड लाइन तात लाइन अपन के प्रयास सेवन और अनन कजी कजी साथ रे रेफरी गम के टेकिंग है बराबर या सिटी बस का लगा थी के ने को टपा टपा से खिलाड़ी को मैदान में, दूसरा अपनी आई लोग 40 का आंकड़ा 6 नंबर का टर बॉल मैडम खिलाड़ी छकड़ की तरफ बड़ी पास है तो 2 नंबर लगे और 2 नंबर चला किस के इस बड़ी एक की को आंकड़ा बिल्कुल गोल पोस्ट भी तर रहे मैं तो मरी जला तेरे ऊपर खिलाड़ी आखिर कटर का किंड के देने रो बहुत सेना है ना सीधे माय माय ते तसलाने तो पारम शिंगियों जना रहे और अब से थ्राई नुबा कर अंतार है अच्छा पाटा पहले बैंड कटर बॉल ईश्वरी 16-17 कटर बॉल अनिता मऊ के ओवर यार अब से सुंदर केक मैं तो जोकाल का सीता नहीं आना और जान मऊ के का बॉल सेना ना सीधे गोल लाइन तक पारम आना देखते हैं गोल की क्रिया मऊ का बना टपा टप पाट जो कि पहला हाफ रे 2-0 की सनब कना और अंतर जोकाल का पास लेफ्ट डिफेंडर लगे और लेफ्ट डिफेंडर का समानांतर पास लेकिन मुख्य रस्सा पंती 3 नंबर लगे और 3 नंबर इंतजार से बड़ी पास होरिंग होरिंग पास वन तना मैदान इंतजार सीलिंग पास उबा करना 7 नंबर लगे और 7 नंबर खिलाड़ी तब मेडल खिलाड़ी सगाट की थे और साथ ही खिलाड़ी अगर ऑल से प्रयास बल अंतर के मैदान आए थे डिफेंसिव टीम की बॉल किंग कटर किंग डिस्का कड़ा 2 नंबर कटर बॉल प्लांटी के लिए आसपास रेंटा डेंसर रिये बीतेर बॉल बिना सिरे किल सिके में तो निकार माइनस पास हुआ करना मुख्य रस्सा पंती ऐसो आयार पा उजो से रखने की इनोंग तेरा किंग टीम लगे में तो निकार 6 नंबर कटर बॉल मौका की तलाश में क्या कुछ कर पाएंगे और ये किक लेने का प्रयास, लेकिन उस मिस्टर कार्तिक सर जी वेलकम है रनिंग कमेंट्री। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद शबीर कुमार जी, आपने हमारे इस मैदान को अपने सुंदर सुंदर वाणी से नवाजे और हमारे इस टूर्नामेंट का और भी 4 चांद लगाए, इसके लिए मैं हमारे कमेटी और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय मैं आप सबों को ले चलूंगा मैदान की ओर और अब तक टपा टप की टीम जो लाल और काले रंगों वाली जर्सी से सजी हुई 2-0 से बढ़त बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि 16-17 रेंज कुंटा की टीम कहां तक इस गोल का बदला गोल में देने के लिए सक्षम हो पाते हैं। हालांकि खेल उनका काफी निराला है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनके टीम में भी और खेल भी आप सभी देख रहे हैं उनका बहुत ही रोमांचक और बहुत ही बेहतरीन खेल है।
खेल को बराबरी पर लाने के लिए पूरी तरह से संघर्षपूर्ण मुकाबला करता हुआ, और इस समय बैक पास टपाटक के रक्षापंत के खिलाड़ी द्वारा ऊंचा पास, लेकिन उनसे गेंद छीन ली गई, और इस समय 16-17 रन कुंटा के खिलाड़ी गेंद को संभाले हुए हैं। आगे बढ़ने की कोशिश, बहुत ही सुंदर शामनंतर पास दाएं छोर के खिलाड़ी के लिए, दो नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी मिस्टर यादव, जोरदार शॉट, लेकिन गोलकीपर काफी चौकन्ने और गेंद को अपने कब्जे में लिया, कोई खतरा नहीं। और इसी बीच हमारे मंच में पधारते हुए मिस्टर अर्जुन गौड़, हमारे सानी जोशर के पीस के बेस्ट खिलाड़ी रह चुके हैं अपने समय के, और उनको भी हम कमेटी और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है उनका। और इस समय फिर से एक बार 16-17 रन कुंटा के पक्ष में गेंद, बेहतरीन खेल का नजारा पेश करते हुए कुंटा के खिलाड़ी, सुंदर सामनांतर पास अपने बाएं छोर के खिलाड़ी के लिए, बाएं छोर के खिलाड़ी गेंद को संभाले हुए सुंदर बैक पास, और संगमीट के खिलाड़ी मौजूद अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए, और बैक पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन, लेकिन गलत पास उनका, फिर से एक बार मिस्टर गोनो करवा टपाटप के टीम मैनेजर या टीम कप्तान सॉरी, और इस तरह से गेंद फिर से एक बार साइड लाइन से बाहर, इसके बाद खेलने के लिए तैयार रहेंगे। सेकंड राउंड का तीसरा आग लगा, इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहेंगे अजनबी अस्तिवर से स्पीड बूस्टर। जी हाँ, आग लगा, इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार।